ग्रामीणों व पुलिस के बीच भिड़ंत, कई घायल। यह खबर आ रही है हिसार खेदड़ से। आपको बता दें कि कई दिनों से खेदड़ पावर प्लांट के सामने धरना चल रहा था। आज क्रोधित होकर ग्रामीण थर्मल का रेलवे ट्रैक को जाम करने जा रहे किसानों ने पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिगेट्स को तोड़कर आगे बढ़ने पर पुलिस व ग्रामीणों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए और वाटर कैमल का इस्तेमाल भी करना पड़ा। इस झड़प में काफ़ी संख्या में पुलिसकर्मी व ग्रामीण घायल हुए। घायलों को नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बिगजे प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें प्रदर्शन जारी था और यहाँ नाके पर हमारी ड्यूटी लगी हुई थी और हमारी लगातार जो इनके लीडर्स हैं उनसे बातचीत हो रही थी और इन्होंने आश्वासन दिया था कि डीसी मैडम को ज्ञापन देकर ये शांतिपूर्वक यहाँ से चले जाएंगे। तो डीसी मैडम के आगमन का हम लोग वेट कर रहे थे, उसी दौरान अचानक से विदाउट एनी प्रोवोकेशन एक ट्रैक्टर इन्होंने तेज़ी से बैरिकेड्स पर मारा और उसको तोड़ते हुए नाके को ये आगे बढ़े और तेज़ी से आगे बढ़ते हुए इनकी चपेट में एक सिविलियन और तीन हमारे जो पुलिसकर्मी हैं वो आ गए। इसमें जो सिविलियन है वो गंभीर उसको इंजरीज हुई हैं और जो हमारे तीन मुलाजिम इंजर्ड हुए हैं उनमें से दो की कंडीशन काफ़ी गंभीर है और इसमें पुलिस की तरफ से पूरी तरीके से संयम बरता गया। जब स्थिति बेकाबू होती दिखी उसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन और टीयर गैस का इस्तेमाल किया और स्थिति को काबू पर किया। इसके अलावा इसमें आगामी कानूनी कार्रवाई जारी। पुलिस द्वारा खेदड़ में किसानों पर लाठी चार्ज करने व उन पर आंसू गैस के गोले दाबने के कारण एक किसान की मौत होना निंदनीय है। इसके लिए मैं गहरा
दुख प्रकट करता हूँ। साथ ही मैं हरियाणा सरकार से मांग करता हूँ, जो भी पीड़ित परिवार है उसको कम से कम 1 करोड़ रुपए मुआवजा राशि दी जाए और साथ एक सरकारी नौकरी दी जाए। और जो लाठी चार्ज के अंदर, आंसू गैस के गोले दावने के अंदर जो भी पुलिस कर्मचारी, जो अधिकारी दोषी है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जबकि किसान लगभग 86 दिनों से खेदर बिजली थर्मो प्लांट के ऊपर धरना दे रहे थे और सरकार ने उनकी समस्या का सुनने के बजाय उन पर लाठी चार्ज किया, वो अति निंदनीय है। इसी प्रकार किसान अपनी मांग के लिए बाल संबंध में धरना दे रहे हैं। यह सरकार पूरी तरह से किसान, कर्मचारी, मजदूर, व्यापारी विरोधी सरकार है। और जिस प्रकार आज किसानों पर लाठी चार्ज की गई है, जिस प्रकार किसानों के ऊपर पानी की बिछोरे फेंकी गई है, जिस प्रकार उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दाबे गए हैं, उससे ये साफ सिद्ध होता है एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसान विरोधी अपना चेहरा फिर दिखाने का काम किया है। और मेरी सरकार से पुण्य अपील है, देश के अंदर, प्रदेश के अंदर शांति बनाए रखे। शांति बनाने के लिए किसानों की जो भी समस्या है उनसे बातचीत करके उन समस्या का तुरंत समाधान करे। कभी लट्ठे डंडों से और आंसू गैस के गोले दाबने से समस्या का समाधान नहीं होता, समाधान बातचीत के जरिए से होता है। और सरकार को किसानों से बातचीत करके उस समस्या का समाधान करनी चाहिए।